नमस्ते बुरहानपुर, एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फलार्ट एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, इसके बाद मानवता शर्मसार हुई थी। इसके बाद बुरहानपुर शहर सड़क पर है। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारे जो पार्टियां हैं वो सड़क पे आई थी और 4 किलोमीटर तक ये पदयात्रा निकाली, मौन रैली निकालकर ये कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। प्रशासनिक अफसर यहाँ मौजूद थे, उनके सामने केवल एक ही मांग थी कि इस हत्यारे दुष्कर्मी को फांसी की सजा दी जाए। इस फांसी की सजा के अलावा ये और कोई सजा नहीं मांग रहे थे और वो भी भरे चौराहे पे उनको फांसी देने की मांग की जा रही थी। इस पूरे मामले के बाद यहाँ पे पत्रकार संगठनों ने भी कलेक्टर भव्य मित्तल को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने भी फांसी देने की मांग की। इसी के साथ अधिवक्ता संघ जो है, बार एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष यूनुस पटेल ने भी साफ तौर पर कहा कि बुरहानपुर का कोई भी वकील इस आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। इसी के साथ वो मध्य प्रदेश में भी एक पत्र जारी करेंगे कि प्रदेश के किसी भी जिले से कोई भी वकील इस दुष्कर्मी का केस ना लड़े। गुस्सा है, आक्रोश है, ये होना भी चाहिए क्योंकि इसने मानवता को शर्मसार किया है, समाज को ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के साथ इसके परिजनों ने बताया कि ये जहां किराए से रहता था ये आरोपी गौरव, वहां पे भी एक बालिका की लाश मिली थी, पानी की टंकी मिली थी, उसकी आशंका भी इससे जताई जा रही कि हो सकता है उसमें भी इसका हाथ हो। बहरहाल ये बड़ी खतरनाक और खराब घटना थी। क्या कहा एसएसपी गौरव पाटिल ने, क्या कहा एसडीएम ने, क्या कहा अजय रघुवंश ने, क्या कहा गजेंद्र पाटिल ने, लगातार आप खबर में देखिए और गुस्सा देखिए, गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है। बहरहाल हमारी खबरों को देखने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आप लोगों को पुलिस पे भरोसा है, आप लोगों ने देखा है, मैंने बोला हमारी टीम, इतनी सारी टीम हर स्तर पे, आपको यहाँ की मतलब आपको बता दू महाराष्ट्र से लेकर हम लोग सब चप्पा चप्पा भिजवा लिया है। आपको ने इतना कोऑपरेट किया, थोड़ा संयम रखे, उसमें भी इसको मिल जाएगा। ये एक पूरा समाज, एक हर धर्म, ये कोई संगठन नहीं है। आज हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और सभी समाज के लोग आज यहाँ पर एक अपनी एकता का परिचय देते हुए कि बच्ची किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। आज उसके लिए यहाँ पर सभी ने एकत्रित होकर के और महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नाम का एक ज्ञापन दिया है। एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो ये घिनौना कृत्य हुआ है, तो उस दोषी को फांसी की सजा भी होना चाहिए, नियम अनुसार उसका जो मकान के ऊपर वो कार्रवाई भी होना चाहिए, निश्चित तौर पर नियम के अनुसार वो मकान भी टूटना चाहिए और आगे भविष्य में ऐसा कोई कृत्य ना करे इसके ऊपर भी चिंता करना चाहिए। इसके लिए हमारे वकीलों ने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि उस घिनौने व्यक्ति का कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा और आपके चैनलों के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि जितनी भी ये पोर्न साइट्स के ऊपर और जो ये नशीली चीजें, जो मादक पदार्थ जो आज टपरियों पर, दुकानों पर और हर जगह जगह बिक रहा है, इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर, गांजा और ये बेचने वाले लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। घर पहले टूट जाए तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सीएम पर दबाव बनाए कि शीघ्र अतिशीघ्र उसका पहले घर टूटे ताकि जो जन आक्रोश है वो शांत हो। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, वो निश्चित ही ये जो जानकारी है उनके पास में भी, ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनके पास में पहुंच चुकी है। हमारे माननीय सांसद जी ने भी आईजी सभी लोगों से चर्चा करके इस विषय को तत्काल प्रभाव में लेते हुए, और गलती उसने की है चाहे गलती कोई भी करे, गलती जिसने की है उसको सजा मिलनी चाहिए चाहे कोई। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सारे इसमें उसको पहले, सबसे पहले तो फांसी की, उसका घर भी तोड़ना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो के, और जर्मन टेप कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फांसी दो बस। जो निर्ममतापूर्वक कृत्य किया गया है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये बहुत गलत हुआ है और इस बच्ची के परिवार के साथ पूरे जिला प्रशासन की संवेदनाएं और सहानुभूति जुड़ी हुई है। पुलिस अपना काम कर रही है, उनके द्वारा बारीक से बारीक छोटे बिंदुओं की
जांच की जाकर उनको विवेचना में लिया गया है और फास्ट ट्रैक में भी केस चलाया जा रहा है। इसके उपरांत जो भी नियमानुसार एक्शन लेना है वो कठिन से कठिन एक्शन हम लेंगे। एक बार वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात आ चुकी है, एक बार उनसे निर्देशन लेकर जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसी संबंध में आज सभी लोगों के द्वारा, समाजजन के द्वारा एकत्रित होकर यहाँ कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को एसडीएम मैडम ने लिया है और अभी हम जिस वक्त बात कर रहे हैं इस वक्त परिजनों को कलेक्टर मैडम ने भी बुलाया है चैम्बर में। जितनी भी उल्लिखित बातें हैं ज्ञापन में उसमें चर्चा भी करेंगे और जहाँ तक उसके मकान को ध्वस्त करना या फिर उसका फांसी की सजा है उस सभी संदर्भ में कलेक्टर मैडम से चर्चा भी करेंगे। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।